Jai Hind everyone and welcome back to the class 12 of biology. I am Dr. Banna Sharma from Lala Jagdish Prasad Saraswati Vidya Mandir Inter College Muzaffarnagar. आज मनुष्य के अनेकों क्रियाकलापों से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, मृदा, वायु, खनिज, वन से प्राप्त उत्पाद आदि के अति दोहन से प्रकृति में असंतुलन उत्पन्न हो रहा है, जिसने मानव जाति को ही नहीं अपितु अन्य जंतुओं और पौधों के अस्तित्व को संकट में डाल दिया है। प्रकृति को प्रभावित करने वाली ऐसी क्रियाएं जीवन के लिए घातक हो रही हैं। पर्यावरण के कुछ ऐसे ही इश्यूज से संबंधित आज का हमारा चैप्टर है, चैप्टर 16, एनवायरमेंटल इश्यू मीन्स पर्यावरणीय मुद्दे, पर्यावरण के मुद्दे या एनवायरमेंटल इश्यू। एक बहुत ही गंभीर प्रकृति को प्रभावित करने वाला इश्यू है पॉल्यूशन। हम पॉल्यूशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ एन अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर एयर, लैंड एंड वाटर दैट मे हार्मफुली अफेक्ट ह्यूमन लाइफ एंड डिजायरेबल स्पीशीज और दैट मे वेस्ट ऑफ डेट्रीरेट आवर रॉ मटेरियल रिसोर्सेज। पॉल्यूशन हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं? जैसे अभी यहाँ पर बताया, मृदा की या प्रकृति में उपस्थित जो भी प्राकृतिक संसाधन है, जैसे मृदा, वायु और जल, इनके भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में होने वाले ऐसे अवांछित परिवर्तनों को जो मनुष्य के जीवन, उसके रहन सहन और उसके लिए आवश्यक पेड़ पौधों और जंतुओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं, उन्हें ऐसे हम प्रदूषण कहते हैं। हम शॉर्ट में से इस तरह भी कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों में होने वाला किसी भी प्रकार का अवांछनीय परिवर्तन पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। इन शॉर्ट, पॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द नेचुरल कंपोजिशन ऑफ बायोस्फीयर। अब पॉल्यूशन उत्पन्न करने वाले पदार्थ, जो पदार्थ पॉल्यूशन को उत्पन्न करते हैं, ऐसे पदार्थों को प्रदूषक कहते हैं। वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स आर द एजेंट्स एंड फैक्टर्स विच रिजल्ट इन पॉल्यूशन। प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थ प्रदूषक हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये प्रदूषक एक अनेकों प्रकार के होते हैं और इनको हम अध्ययन की सुविधा के लिए इनका अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। जो टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स हैं, उसका प्रथम जो क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं, फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन नेचुरल डिस्पोजल इन द इकोसिस्टम, मीन्स पारितंत्र में उनके प्राकृतिक निम्नीकरण के आधार पर। ये ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जो इजीली नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज हो सकते हैं, जो निम्नीकृत हो सकते हैं, जो प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा निम्नीकृत हो जाते हैं। द पॉल्यूटेंट्स दैट आर इजीली डिकम्पोज बाय द नेचुरल प्रोसेस आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। जैसे कि इसके एग्जाम्पल्स हैं डोमेस्टिक सीवेज, क्लॉथ, पेपर और अदर ऑर्गेनिक मैटर्स, जो भी अन्य जो कार्बनिक पदार्थ हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं घरों से निकलने वाला सब्जियों, फलों के छिलकों, छिलके, वो घरों से इस प्रकार से उत्पन्न कचरा, कपड़े, कागज़, ये सब कार्बनिक पदार्थ हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की क्रिया, सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं के द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं और ईजिली नष्ट हो जाते हैं। ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, वो उनसे प्रदूषण की संभावना काफ़ी कम होती है, लेकिन अधिक मात्रा में होने पर इनके अपघटन की गति, स्पीड जो है वो धीमी पड़ जाती है, तब ये जल, वायु और मृदा आदि को प्रदूषित करके अन्य प्राणियों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर सकते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल
पॉल्यूटेंट्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स मीन्स जो पॉल्यूटेंट्स आसानी से निम्नीकृत नहीं होते हैं, या तो वो डिकम्पोज नहीं होते हैं या उनके अपघटन की जो क्रिया है वो बहुत धीमी होती है, उनको हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। ये या तो निम्नीकृत ही नहीं होते या फिर इनके निम्नीकरण की गति बड़ी धीमी होती है, जैसे एल्यूमिनियम कैंस, प्लास्टिक्स, कंपाउंड्स ऑफ मर्करी, डीडीटी, ग्लास एट्सेट्रा। यहाँ पर हम इसका ये ढेर देख रहे हैं। ये एक ऐसा पॉल्यूटेंट है जो कि पर्यावरण को बहुत ज़्यादा दूषित करता है और आसानी से डिकम्पोज नहीं होता है, अपघटित नहीं होता है। सेकेंड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द परसिस्टेंस, मीन्स स्थायित्वता के आधार पर। स्थायित्वता के आधार पर पॉल्यूटेंट्स या प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जिनको हम प्राथमिक प्रदूषक भी कहते हैं, ये प्रदूषक लंबे समय तक उसी स्थिति में बने रहते हैं जिसमें ये पर्यावरण में मुक्त होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक मटीरियल। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स या द्वितीयक प्रदूषक, ये प्राथमिक प्रदूषक की क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल इसका उदाहरण हमने यहाँ लिखा हुआ है, परॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये मोटर वाहनों से, गाड़ियों से उत्पन्न दो प्राइमरी प्रदूषक, दो प्राथमिक पॉल्यूटेंट्स, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स, ये दोनों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनाते हैं, द्वितीयक प्रदूषक बनाते हैं। यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट हैं, ये दोनों सूर्य के अल्ट्रा वायलेट रेज की प्रेजेंस में, बड़ा बैंगनी किरणों की उपस्थिति में क्रिया करके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनाते हैं, जिसको कहते हैं परॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये बहुत ही पॉइजनस होते हैं। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो जो प्राइमरी प्राथमिक प्रदूषक हैं उनकी तुलना में अधिक विषाक्त होते हैं, और इंक्रीज इन टॉक्सिसिटी बाय रिएक्शन बिटवीन द पॉल्यूटेंट्स इज कॉल्ड सिनर्जिज्म। जब दो तीन प्रकार के पॉल्यूटेंट्स परस्पर एक दूसरे से क्रिया करके नया पदार्थ बना देते हैं तो उस पदार्थ की विषाक्तता और बढ़ जाती है, इस क्रिया को सिनर्जिज्म कहते हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉल्यूटेंट्स इज बेस्ड ऑन द एग्जिस्टेंस, यानी कि स्थिति के आधार पर। ये पॉल्यूटेंट्स दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स, मीन्स मात्रात्मक प्रदूषक। ये प्रदूषक प्राय, ये ऐसे पदार्थ हैं जो प्राय सामान्यतः प्रकृति में उपस्थित होते हैं, किंतु मनुष्य द्वारा ये अत्यधिक मात्रा में, मात्रात्मक इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये मनुष्य द्वारा अत्यधिक मात्रा में पर्यावरण में मुक्त होते हैं, तब ये एज ए प्रदूषक, एज ए पॉल्यूटेंट काम करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जीवन के लिए आवश्यक भी है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड से ही फूड बनाते हैं, अपना भोजन का निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। लेकिन जब तक ये सीमित मात्रा में है तब तक तो ठीक है, लेकिन मनुष्य की विभिन्न क्रियाओं से जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है एनवायरमेंट में, तो ये पॉल्यूटेंट का, प्रदूषक का कार्य करते हैं। सेकेंड जो टाइप है वो है क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स, मीन्स गुणात्मक प्रदूषण। ये प्रकृति में गुणात्मक प्रदूषक प्राय प्रकृति में सामान्य रूप से नहीं होते हैं, केवल मनुष्य के क्रियाकलापों के कारण ही पर्यावरण में मुक्त होते हैं। इस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है पॉल्यूटेंट्स का, प्रदूषक का। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के प्रकार। ये भी क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट ऑफ एनवायरमेंट वेयर इट अकर्स, जहाँ पर ये पॉल्यूशन, ये प्रदूषण उत्पन्न होता है उसके आधार पर पॉल्यूशन निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन दैट अकर्स इन एयर, वाटर पॉल्यूशन दैट अकर्स इन वाटर, एंड सिमिलरली सॉइल पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन। सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉल्यूशन इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर। ये उत्पत्ति के आधार पर जो पॉल्यूशन है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट इज नेचुरल पॉल्यूशन या प्राकृतिक प्रदूषण,
एंड सेकेंड इज एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट नेचुरल पॉल्यूशन, प्राकृतिक प्रदूषण जो प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा उत्पन्न होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बाय वॉल्केनिक इरेप्शन. यहाँ पर आप देख रहे हैं ज्वालामुखी के फटने से, ज्वालामुखी विस्फोट से जो विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं वो पर्यावरण में मुक्त होकर प्रदूषण उत्पन्न करती हैं. इसी तरीके से बाय अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम सन, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से भी प्रदूषण होता है. ये प्राकृतिक प्रदूषक हैं. इसी तरह से सेकंड जो हम यहाँ देख रहे हैं वो लिखा है एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन, मीन्स मानव जनित प्रदूषण. ये प्रदूषण मानव की क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होता है. तो ओरिजिन के आधार पर ये दो प्रकार का हो सकता है, प्राकृतिक या मानव जनित. थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉल्यूशन इज बेस्ड ऑन द फिजिकल नेचर ऑफ पॉल्यूटेंट्स. जो प्रदूषक हैं उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर प्रदूषण या तो गैसियस हो सकता है, गैसियस पॉल्यूशन जिसमें कि प्रदूषक हैं वो गैसीय अवस्था में होते हैं. इसी तरह डस्ट पॉल्यूशन जो डस्ट के फॉर्म में प्रदूषक होंगे, हीट के कारण थर्मल पॉल्यूशन एंड सिमिलरली नॉइस पॉल्यूशन एंड रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन. नेक्स्ट, अब हम जिस पोल्यूशन की बात कर रहे हैं आज, हम इसमें से एक ही प्रकार का पोल्यूशन ले रहे हैं जो कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एयर पोल्यूशन है. पोल्यूशन दैट अकर्स इन एयर. एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय रिलीज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स एंड गैसेस इन द एयर. दीज पॉल्यूटेंट्स डिग्रेड द क्वालिटी एंड कंपोजिशन ऑफ द एयर. हम वायु प्रदूषण क्या कह सकते हैं, WHO को के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वायु प्रदूषण को डिफाइन किया है कि वायुमंडल में विभिन्न पदार्थों की वह सांद्रता जो मनुष्य और उसके पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है उसे वायु प्रदूषण कहते हैं. जो वायु की भौतिक रासायनिक प्रकृति को प्रभावित करते हैं, उस पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करते हैं जो मनुष्य के लिए और अन्य जीवों के लिए घातक हैं वो वायु प्रदूषण कहलाता है. वायु प्रदूषण किस किस प्रकार के पॉल्यूटेंट्स द्वारा उत्पन्न होता है, कौन कौन से ऐसे कौन कौन से प्रकार के प्रदूषक हैं जो वायु प्रदूषण उत्पन्न करते हैं. वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाले प्रदूषकों को दो प्रकार में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज गैसियस पॉल्यूटेंट्स. गैसियस पॉल्यूटेंट्स या गैसियस गैसीय प्रदूषक, इस प्रकार के प्रदूषक सामान्य ताप और दाब पर गैसीय अवस्था में होते हैं. The pollutants that occurs in gaseous state at normal temperature and pressure. ये प्रदूषक कार्बनिक और अकार्बनिक गैसों के रूप में हो सकते हैं. Gaseous pollutants दो प्रकार के हो सकते हैं, कार्बनिक या अकार्बनिक. जैसे कार्बनिक में या हाइड्रोकार्बन, कीटोन, एल्डिहाइड एट्सेट्रा, और अकार्बनिक जैसे अकार्बनिक गैसेस कौन सी हो सकती हैं, CO2, CO, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और या फिर सल्फर. कार्बन के साथ साथ सल्फर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी प्रदूषक की तरह से कार्य करते हैं, प्रदूषण उत्पन्न करते हैं. सेकंड जो पॉल्यूटेंट होता है एयर पॉल्यूटेंट वो है पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स, मींस कणिकीय प्रदूषक. जो प्रदूषक वो पहले प्रदूषक थे वो गैस के फॉर्म में थे, गैस के रूप में उपस्थित होते हैं पर्यावरण में. जो प्रदूषक कण के रूप में होते हैं उनको पार्टिकुलेट या कणिकीय प्रदूषक कहते हैं. ये वायु में मिश्रित वे प्रदूषक हैं जो द्रव या ठोस रूप में होते हैं. इन कणों के साइज, स्रोत और भौतिक स्थिति के अनुसार ये अलग अलग भागों में विभक्त किए गए हैं, जैसे कि डस्ट हो सकता है, स्मोक, फ्यूम्स, स्मॉग, एरोसोल्स. स्मॉग क्या है, धुएं और कोहरे से के संयोग से स्मॉग का निर्माण होता है. यदि पर्यावरण में वाहनों से निकलने वाला धुआं हो और साथ ही कोहरा भी हो, कोहरा होता है सस्पेंडेड वाटर मॉलिक्यूल्स. तो जब ये पर्यावरण में कोहरा हो और उसके साथ साथ वाहनों से निकलने वाला धुआं हो तो वो स्मॉग का निर्माण करता है. इसी तरह एरोसोल यहाँ पर लिखा है, जब वायु में कणिकीय प्रदूषक जैसे कि कैडमियम, जिंक वगैरह हो सकते हैं, ये सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं तो एरोसोल का निर्माण करते हैं. इस प्रकार से जो एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो दो प्रकार के हुए, गैसियस एंड पार्टिकुलेट्स. अब कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन के
क्या कारण हैं या इसके सोर्सेज क्या हैं, ये भी हम इसमें लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, यदि मानव आबादी में बढ़ोतरी होती है तो वो भी एयर पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसी तरीके से ऑटोमोबाइल्स एंड मशीन, स्मोक एंड ग्रिट, इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज से निकलने वाला ये जो धुआं है ये बहुत हानिकारक है, पर्यावरण को दूषित करता है, वायु दूषित करता है। यहाँ पर आप ऑटोमोबाइल से निकलने वाले धुएं को देख रहे हैं ये सब। और साथ ही डिफॉरेस्टेशन, मानव आबादी, बढ़ती आबादी भी डिफॉरेस्टेशन का एक कारण है। और वनों की डिफॉरेस्टेशन मीन्स वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण भी पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन उत्पन्न होता है। अब नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण के प्रभाव। जो वायु प्रदूषण है वो संपूर्ण प्रकृति के लिए बहुत ही हानिकारक है, केवल मनुष्य ही नहीं, जंतुओं, पौधों और यहाँ तक कि जीवों को ही नहीं, अजैविक पदार्थों को भी वायु प्रदूषण प्रभावित करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द इफेक्ट्स ऑन मैन एंड अदर एनिमल्स, मानव पर और अन्य जंतुओं पर इसका क्या प्रभाव होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कुछ इफेक्ट्स लिखे हुए हैं, जैसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, श्वसन तंत्र के विकार जैसे एस्फिक्सिएशन, अस्थमा ये उत्पन्न करता है। एस्फिक्सिएशन का मतलब होता है कि जो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको ये कम कर देता है। इसी तरह डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में कठिनाई, सिर दर्द, खांसी, फेफड़ों का और त्वचा का कैंसर, हार्ट डिजीज़, इसी के साथ साथ इफेक्ट ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ आईज, नोज एंड ईयर्स, जो आँखों की और नाक की और कानों की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको ये प्रभावित करता है। और साथ ही डिजीनेस, बेहोशी और फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस जो है एक ऐसा विकार है जो अस्थियों और दांतों को प्रभावित करता है। ये सभी हेल्थ पर पड़ने वाले प्रभाव हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि ये कैटेगरी वाइज कौन कौन से ऐसे प्रदूषक हैं जो अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं मनुष्य की हेल्थ को, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, वाहनों से निकलने वाले धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है, जिससे कि इचिंग एंड बर्निंग इन एपिथीलियल टिश्यू ऑफ लंग्स एंड ट्रेकिया, जो कि फेफड़ों और श्वास नली की एपिथीलियल टिश्यू में, उसकी लाइनिंग में, उसके स्तर में बर्निंग, जलन उत्पन्न करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है एस्फिक्सिएशन के लिए, जिसे मैंने अभी बताया कि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही पॉइजनस है और ये जो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको कम कर देता है। इसी तरह मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं बेहोशी और कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता से, अंत में डेथ भी हो सकती है। इसी तरह ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो कि आँखों की बीमारी, नेत्र विकार उत्पन्न करते हैं और साथ ही हृदय और फेफड़ों संबंधी विकार भी उत्पन्न करते हैं, खांसी, चेस्ट पेन, सीने में दर्द और आँखों के रोग, जैसे अभी यहाँ ये रिपीट हो गया, यहाँ डिस्कस किया था पहले ही। लेड, ये जो फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो पॉल्यूटेंट्स हैं उसमें लेड और कैडमियम वगैरह शामिल होते हैं। लेड जो है वो रीनल एंड नर्वस डिसऑर्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि ये किडनी और तंत्रिका तंत्र के विकार उत्पन्न करता है। कैडमियम जो है वो एक श्वसन विष के नाम से जाना जाता है, जो कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्लड प्रेशर को हाई कर सकता है और जिसके फलस्वरूप हार्ट डिजीज भी होती हैं। फ्लोराइड्स जो अस्थियों और दांतों को प्रभावित करता है। एस्बेस्टस फेफड़ों के कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जहाँ पत्थरों की घिसाई वगैरह का कार्य होता है वहाँ पर एस्बेस्टस उस धूल में जो है काफ़ी मात्रा में होता है और वहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स के फेफड़े, लंग्स जो हैं वो इससे प्रभावित होते हैं। इसी तरह से
जो एयर पॉल्यूशन है वो प्लांट्स को भी प्रभावित करता है, जैसे कि पत्तियों का समय से पूर्व गिर जाना, कलियों का गिर जाना, और पत्तियों और जो फ्लावर्स के पेटल्स होते हैं उनकी कर्लिंग और प्लांट्स की ग्रोथ को भी ये प्रभावित करता है। और भी बहुत सारे इसके इफ़ेक्ट्स हैं। हम कह सकते हैं प्लांट्स हो या एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स, ये लाइफ को, सभी जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनको प्रभावित करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं, ये यहाँ पर ये शो करता है कि ये एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं, अजैविक पदार्थों को भी, जो निर्जीव है उनको भी ये प्रभावित करता है, जैसे कि इमारतों पर, धातु पर, इमारत धातु और जो मेटल्स हैं, सॉरी जो यहाँ पर हमने लिखा था क्लोथ्स हैं और रबर हैं, इन सबको ये प्रभावित करता है। एयर पोल्यूशन की वजह से एसिड रेन और हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह जो पॉल्यूटेंट्स हैं, ये मार्बल्स को, इमारत के जो संगमरमर है उसको, उसके पत्थर को प्रभावित करता है, जिससे कि ऐतिहासिक इमारतें जो हैं वो अपना जो खूबसूरती है उसको खो रही हैं। इसी तरीके से हम नेक्स्ट, हमें ये जानना चाहिए कि हम इस पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है अनलेडेड फ्यूल का यूज़ करना, गुड क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का फ्यूल ईंधन वाहनों में इस्तेमाल करना जिसमें लेड ना हो, इको फ्रेंडली इक्विपमेंट्स इन मॉडिफाइड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस टू रिड्यूस इमिशन, इंडस्ट्रीज में इको फ्रेंडली इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और इंडस्ट्रियल जो प्रोसेस हैं, औद्योगिक प्रक्रियाएं हैं, उनको रूपांतरित करें ताकि जिससे कि कम मात्रा में वेस्टेज पर्यावरण में मुक्त हों। उसी तरीके से वाहनों में सीएनजी का प्रयोग किया जाना चाहिए, और जो फ्यूल है ईंधन में अगर बेरियम कंपाउंड्स को ऐड कर दिया जाए तो उनसे निकलने वाला हानिकारक धुआं जो है वो कम हो सकता है। ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाना चाहिए, साथ ही व्हीकल्स में कैटेलिटिक कन्वर्टर को यूज़ किया जाना चाहिए। कैटेलिटिक कन्वर्टर अभी नेक्स्ट हम उसमें पढ़ते हैं, ये जो है वाहनों से निकलने वाले धुएं के जो विषाक्तता है उसे कम करता है। इसी के साथ एक और जो इंडस्ट्रीज है वहाँ पर उनसे निकलने वाले धुएं की विषाक्तता को कम करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर और स्क्रबर को यूज़ किया जाना चाहिए, और अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षों को लगाया जाना चाहिए। इस तरह से पॉल्यूशन को नियंत्रित किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी हमने एक चीज़ का जिक्र किया पीछे कंट्रोल करने के लिए, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये प्रेसिपिटेटर प्रयोग में लाया जाता है जो कणिकीय पॉल्यूटेंट्स हैं, जो पार्टिकुलेट प्रदूषक हैं, जो प्रदूषक वायु में कण के रूप में उपस्थित होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो प्रेसिपिटेटर है, ये वायु की क्वालिटी को क्लियर करता है, अच्छा बनाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 2.5 माइक्रोमीटर या कम व्यास के जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, और वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो सांस के जरिए हमारे फेफड़ों में पहुंच जाते हैं, और जिसकी वजह से सांस के जरिए जब वो फेफड़ों में पहुंचते हैं तो श्वसन के विकार उत्पन्न होते हैं। उन विकार को दूर करने के लिए ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है ये बहुत ही सहायक है। यह जो है वो इसको हम इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट एयर क्लीनर के नाम से भी जानते हैं। ये जो विद्युत संयंत्र के निर्वातक होता है, एग्जास्ट होते हैं, उनमें मौजूद 99% कणों को हटा देता है। इसमें एक इलेक्ट्रोड तार होता है जिससे होकर हजारों वोल्ट पर विद्युत गुजरती है। यहाँ से होकर विद्युत गुजरने की वजह से इससे एक ऐसा एनवायरनमेंट उत्पन्न हो जाता है और यहाँ से कोरोना उत्पन्न हो जाता है और इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन धूल के कणों से चिपक जाते हैं और उन्हें ऋणावेशित कर देते हैं। यहाँ पर आप देखें धूल के कण रेड रेड दिखाई दे रहे हैं, और जिससे कि इनसे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स जब चिपक जाते हैं तो ये कण ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। और यहाँ पर कलेक्शन प्लेट हैं
ये संचायक पट्टिकाएं हैं जिनसे कि जो इन धूल के कणों को नेगेटिवली चार्ज धूल के कणों को आकर्षित करती हैं और धूल के कण नीचे इन पट्टियों पर आकर बैठ जाते हैं। यहाँ से जो पॉल्यूटेड एयर एंटर करती है, यहाँ से निकलते समय धूल के कण सारे इनसे चिपक जाते हैं और स्वच्छ वायु बाहर निकलती है। इसी तरह यहाँ पर एक स्क्रबर है जो सल्फर डाइऑक्साइड की अशुद्धि को दूर करता है। चिमनियों वगैरह में यदि इसको लगाया जाता है तो जो डर्टी एयर यहाँ से इससे होकर, जो पॉल्यूटेड एयर इससे होकर निकलती है, यहाँ से इसमें वाटर या फिर चूने के पानी की फुहार पहुँचाई जाती है, जिससे जब ये इसको क्रॉस करके, इस फुहार को क्रॉस करके एयर यहाँ से निकलती है तो वो शुद्ध होकर बाहर आती है और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाती है। इसी प्रकार हमने एक और इक्विपमेंट का जिक्र किया था, कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाहनों में प्रयुक्त होने वाला एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट को, ऑटो वाहनों से निकलने वाले धुएं को कम करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसे ऑटोमोबाइल इंजन के ईंधन दहन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कारों और स्कूटर के इंजन के साथ उसके निकास पथ में लगाया जाता है। यह इंजन से निकलने वाली हानिकारक गैसों और प्रदूषकों को कम हानिकारक प्रदूषकों में बदल देता है और इसमें एक उत्प्रेरक के रूप में महंगी धातु, कीमती धातु जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम का प्रयोग किया जाता है। जब इससे होकर अनबर्न्ड जो फ्यूल है, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स, उससे जो फ्यूल के पूर्ण दहन ना होने की वजह से हाइड्रोकार्बन्स का निर्माण होता है। हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो बहुत विषाक्त होते हैं। इसी तरह से फ्यूल के पूर्ण दहन ना होने के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, ये सभी बहुत ही पॉइजनस होते हैं। जब ये इस इंस्ट्रूमेंट से होकर गुजरते हैं, जब ये इस प्रकार के गैसेस यहाँ से होकर गुजरती हैं तो इसमें उपस्थित रोडियम या प्लैटिनम, पैलेडियम का जो उत्प्रेरक है वो इनसे क्रिया करके इनको कम विषैले पदार्थों में कन्वर्ट कर देता है। जैसे जो हाइड्रोकार्बन है ये विषाक्त जब यहाँ से होकर निकलते हैं वाटर में बदल जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स नाइट्रोजन में बदल जाते हैं। इस प्रकार यदि इंजन में इसको लगा दिया जाए तो उससे निकलने वाला धुआं जब इसको क्रॉस करके आगे पहुंचता है तो फ्यूल के अधूरे इनकम्प्लीट कम्बस्चन से, अधूरे दहन से, अपूर्ण दहन से जो हानिकारक विषाक्त गैसेस निकलती हैं वो जब इसमें से होकर गुजरती हैं तो वो कम विषाक्त पदार्थों में परिवर्तित होकर वायु को, वायुमंडल को प्रदूषण से बचाती हैं। इस प्रकार से ऐसे वाहनों में जिसमें कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हो, अनलेडेड पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, बिना लेड वाले पेट्रोल का प्रयोग में लाना चाहिए, क्योंकि ये लेड जो है वो इस उत्प्रेरक के प्रभाव को नष्ट कर देता है। इनके प्रयोग से भी वायु प्रदूषण से बचा जा सकता है, कम किया जा सकता है। दैट्स ऑल अबाउट द एयर पॉल्यूशन। अब हम नेक्स्ट इसका पार्ट, इस लेसन का जो पढ़ेंगे वो दूसरे टाइप के पोल्यूशन से, साथ ही एयर पोल्यूशन से उत्पन्न होने वाले, एयर पोल्यूशन के बहुत ही पर्यावरण को प्रभावित करने वाले ऐसे इश्यूज हैं जो एसिड रेन और ग्लोबल वार्मिंग, उसको भी साथ में हम पढ़ेंगे। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।